हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक हो सब घर पे? ओके, अच्छे से वर्क कर रहे हो? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्क करना है, बहुत मेहनत से वर्क करना है। जब भी आप अगर मेहनत से वर्क करोगे, अच्छे से वर्क करोगे, तो आपके मम्मा पापा, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स बहुत खुश होंगे आपसे। तो आप लोगों को इन सबको क्या करना है, बहुत खुश करना है ना? तो क्या करना है, बहुत अच्छे से वर्क करना है। और साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी गुड हैबिट्स को भी नहीं छोड़ना। क्या मिल्क ड्रिंक करना है, सबको विश करना है। कोई घर पे आता है तो बॉयज़ को क्या फीट टच करने हैं विश करने के साथ साथ, और आपको 3 times गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड आफ्टरनून विश भी करना है, 3 times। और मिल्क ड्रिंक करना है 2 times। सब कर रहे हैं ना? गुड हैबिट छोड़ तो नहीं रहे ना, और छोड़नी भी नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारी बातें होगी। अब हमारा क्या करते हैं, हम वर्क स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्क है बहुत इजी है, हिंदी का बिल्कुल इजी टॉपिक है, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब मैं आपको क्या करवाने जा रही हूँ, सप्ताह के दिनों के नाम। अब आप लोग मुझे बताइए कि सप्ताह के, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 7 days होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 days होते हैं। और अब हम क्या करेंगे, उन 7 days को कंटिन्यूली करेंगे कि कौन सा डे कब आता है। कई बार आप क्या करते हो, आगे पीछे कर देते हो, लेकिन अब आपको मैं अच्छे से करवाऊंगी कि फर्स्ट सेकंड कौन सा डे है, थर्ड कौन सा डे है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, आपके नाम आ चुके हैं, सप्ताह के दिनों के नाम पिक्चर आ चुकी है ना। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी में उन सप्ताह के दिनों को नाम को क्या कहते हैं और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट डे होता है हमारे वीक का, वो क्या होता है, संडे। संडे तो आप लोगों को बहुत पसंद है, मुझे पता है ना। जब हम स्कूल आते हैं हमें संडे का ही वेट रहता है। तो संडे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रविवार। क्या? रविवार। हमारा सबसे पहला वीक का जो हफ्ते का पहला दिन होता है सप्ताह का, वो क्या होता है, रविवार। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, संडे। अब यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों है। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है कि कौन से डे को हम इंग्लिश में और हिंदी में क्या क्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड डे है वो क्या है, सोमवार। क्या है? सोमवार। और उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मंडे। क्या कहते हैं? मंडे, जब हमें स्कूल जाना होता है संडे के बाद, है ना। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड डे है, तीसरा दिन है जो हमारे सप्ताह का, वो क्या है, मंगलवार। क्या है? मंगलवार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूसडे। क्या? ट्यूसडे, वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ डे है, चौथा दिन है हमारे सप्ताह का, वो क्या है, बुधवार। उसे क्या बोलते हैं, वेनसडे। वेनसडे, इसको वेनसडे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ डे जो हमारा है, वो क्या है, वीरवार। पांचवा दिन हमारा सप्ताह का क्या है, वीरवार। वीरवार को क्या कहते हैं, थर्सडे। क्या? थर्सडे। नेक्स्ट है जो हमारा छठा दिन है, सिक्स्थ डे है, वो क्या है, शुक्रवार। क्या? शुक्रवार। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्राइडे। नेक्स्ट जो हमारा सेवंथ, मतलब कि सातवां दिन है, लास्ट डे है हमारे हफ्ते का, वो क्या होता है, शनिवार। उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, सैटरडे। शनिवार को सैटरडे। अब मैं आपको कंटिन्यूली बोल के बताती हूँ, सबसे पहले क्या है, रविवार। सेकंड क्या है, सोमवार। नेक्स्ट है मंगलवार। नेक्स्ट बुधवार, वीरवार, शुक्रवार एंड शनिवार। अब आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, इस कंप्लीट वर्क को अपनी FNB में करना है। किसमें? हिंदी FNB में। बी में करेंगे हम, ए में कोई भी वर्क नहीं करना। ये जितना भी मैंने आपको वर्क करवाया पहले, ये आपको सारा हिंदी बी में करना है। किसमें? हिंदी बी में। और वहीं पे हम ये क्या, सप्ताह के दिनों के नाम नोट करेंगे हिंदी में। ओके, थैंक यू। अच्छे से गुड गुड हैंड राइटिंग में कीजिएगा।